हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। तो फाइनली फिफ्थ राउंड का भी रिजल्ट आ चुका है और आपने पोर्टल पे देख सकते हैं। अगर जिनको सीट नहीं मिला था वो चेक कीजिए, होप उनको मिल गया होगा। अगर नहीं मिला होगा तो उनको स्पोर्ट राउंड में ही जाना होगा। ये बिना नोटिस के साथ आपका रिजल्ट आ चुका है। पहले ही प्रिफ्रेंस सीट फिलअप हो रहा था और मैं एक दो बंदों से बोला भी था शायद ये फिफ्थ राउंड भी होगा, और ये फिफ्थ राउंड ही था। मैं भी उतना कन्फर्म नहीं था, बिना कोई नोटिस के साथ आया है ये रिजल्ट, तो आप समझ सकते हैं। तो यही है, आप चेक कर सकते हैं जाके उनके पोर्टल पे, तो कुछ ऐसा आपका दिखेगा। अगर जिनको नहीं मिला होगा तो ऊपर ही लिख देगा कि आपको सीट अलॉट नहीं हुआ है इस राउंड में। तो ये जिनका है उनका वो तो फ्रीज कर चुके हैं, मगर ऐसा कुछ पोर्टल आपका मिलेगा। अलॉटमेंट लेटर आएगा, एडमिशन पेमेंट का ऑप्शन आएगा। जो लोग अपग्रेड कर रहे थे तो उनको एडमिशन पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हालांकि उनको आता है पर वो इग्नोर कर दीजिएगा। उसके बाद आपको सीट फ्रीज फ्लॉट का ऑप्शन आता है, तो फ्रीज कर दीजिए। अब इसके बाद स्पोर्ट राउंड ही होगा। अब पता ना 6 राउंड भी करवा सकते हैं, ये इनका कोई भरोसा नहीं। पर मेरे ख्याल से अब होना नहीं चाहिए। अब डायरेक्ट आपका इंटरनल अपग्रेडेशन होगा और उसके बाद स्पोर्ट राउंड होगा। तो देखिए कब तक उसका नोटिस आता है। काफ़ी लोग बोल भी रहे थे कि इंटरनल अपग्रेडेशन का कब तक आएगा, क्योंकि 1 तारीख को ही डेट था। तो देखिए अभी तो ये फिफ्थ राउंड का पेमेंट वगैरह होगा, जब तक ये पेमेंट डन नहीं होगा, इनका प्रोसेस ख़त्म नहीं होगा, तब तक इंटरनल अपग्रेडेशन नहीं होगा मेरे ख्याल से। क्योंकि सारे लोगों को लेके चलना है, तो फिफ्थ राउंड वालों को भी लेके चलेंगे। तो यही है, और काफ़ी सारे कैंपसेस में नोटिस भी आ चुका है इतना तारीख से क्लासेस चल रहा है। किसी किसी कैंपस में सुना हूँ कि 5 तारीख से ओपन हो रहा है, किसी किसी कैंपस में 12 तारीख से हो रहा है। तो वो अपने ग्रुप में जो ऐड हुए होंगे तो वो ग्रुप में मालूम कर लीजिए टीचर्स वगैरह से। अगर ग्रुप में ऐड नहीं है तो वो वाला एक वीडियो बनाया हुआ था, वो देख सकते हैं। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो देख लीजिएगा कैसे आपको ऐड करना होगा। वो ईमेल वगैरह पे मेल वगैरह करना रहता है, तो वो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो यही है, अगर कोई भी और भी कन्फ्यूजन हो इससे रिलेटेड तो कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए हेल्प करने के लिए। तो यही है, तो चलिए गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखिए अपना, और सीट फ्रीज कर दीजिए। अब इसके बाद स्पोर्ट राउंड हो गया। चलिए बाय ऑल ऑफ यू।